चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। एट व्हाट टाइम फ्रॉम जीरो द अल्टरनेटिंग वोल्टेज बिकम 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू वेयर टी इज पीरियोडिक टाइम। ठीक है, तो क्या होता है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/T होती है। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2π × T अपॉन कैपिटल टी। अच्छा, वी की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 1/√2 टाइम्स, वी नॉट की 1/2 टाइम्स हो जा रही है। तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, वी नॉट बाई रूट टू इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2π/T × t। ये कितना हो जाएगा, वी नॉट से वी नॉट कटेगा, 1/√2 इज इक्वल टू साइन 2π/T × t। अच्छा, साइन 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की, तो साइन π/4 हो गया, 45 मतलब π/4। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, दोनों तरफ से साइन हटा देते हैं, π/4 इज इक्वल टू 2π/T × t। अब पाई से पाई कटेगा, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू कैपिटल T/8 सेकेंड, ये आएगा T/8 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।